come. But still, I want to clap for Manas and Pranav. Thank you. And I'll request Pranali ma'am to please join me on stage now. Can we please have a huge round of applause for ma'am? And this is for you, ma'am. And sir, hum aapko bhi denge. Please. No, I'm not being partial at all. Ladies first, yes? And ma'am, I'm going to ask you now कि आपका क्या experience था? Because you have produced the film as well. So वो कैसे आपने दोनों roles play किए? As a producer and as an actress. एलोपैथिक में पेशेंट ठीक ही नहीं हो सकता और आयुर्वेद ऑफ इंडिया में जो एक जगह है वहाँ पे बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं. इवन नी रिप्लेसमेंट अगर बोलते हैं डॉक्टर तो वो तक के होने की वहाँ पे हो नहीं सकता, मतलब इतने अच्छे रिजल्ट्स हैं. तो मैंने मानसी को देखा जब वो 80 उनकी क्या कंडीशन रही है और उसके बाद जब वो ट्रीटमेंट करके आए तो ही इज फिट एंड फाइन नाउ. तो ये एक मैसेज था लोगों के घर तक पहुंचाने के लिए, क्योंकि ऐसे तो हम इंडिविजुअली जाके लोगों को बता नहीं सकते थे. तो हमने सोचा कि एक फिल्म बनाई जाए. एक फिल्म ही ऐसा एक माध्यम है जिसके जरिए हम लोगों तक पहुंच सकते हैं, लोगों तक बता सकते हैं. और बाकी सब तो है ही, सब लोग और पहुँचा ही रहे हैं. रही एक्ट्रेस की बात तो मानस जी ने मुझे कहा कि कि कृणाली तुम ये फिल्म करो. मुझे बहुत अच्छा लगा कि यस, मेरे लिए बहुत अच्छा जॉब है ये कि मैं कुछ इसमें कुछ करके दिखाऊं. और डेफिनेटली मैंने उसके लिए वेट भी पुट ऑन किया था एंड नाउ आई लॉस्ट माय वेट 20 kgs. और रही एक्टिंग की बात तो गिरीश ने काफ़ी अच्छा सपोर्ट किया, दैट्स द रीजन मैं बहुत अच्छा दे पाई हूँ. और बाकी सब लोग आप देखेंगे फिल्म में कि मैंने अच्छा काम किया है या बुरा काम किया है. थैंक यू सो मच. बेसिकली अब मैं कहूँगा कि फिल्म नहीं है, एक सत्य कथा है जो मेरे ऊपर बीत चुकी है. वो बीमारी हुई थी जो लाइलाज है माना जाता है आयुर्वेदा में, नहीं अलग बात. लेकिन इसकी जो कंडीशंस जब पेशेंट के ऊपर आप स्थिति होती है, सारे जॉइंट्स लॉक हो जाते हैं, जितने बॉडी के जॉइंट्स हैं सब लॉक होते हैं. ग्रेजुअली एक स्टिक बन जाता है इंसान. तो वो मैं हो चुका था 18 months बेड रिडन में. दो इंसानों की सख्त जरूरत पड़ती थी और जो कि मोबाइल की खत्म हो चुकी होती है. तो मेरे के लिए एक एड्रेस मिला मुझे जो कि केरला में है. एलोपैथिक ट्रीटमेंट किया था, फिजियोथेरेपी किया था, लेकिन कुछ हुआ. लेकिन जब केरला पहुंचा और वहां से उन्होंने टच करके बता दिया कि क्या बीमारी है और इलाज करेंगे, तो बीइंग अ फिल्म मेकर मुझे ये एहसास हुआ कि कुछ सोसाइटी के लिए, समाज के लिए मेरी जो जिम्मेदारी है कुछ उसे पूरा करूँ. और वो एक जरिया है कि सिनेमा, सिनेमा के जरिए आप, अच्छे सिनेमा के जरिए आप कुछ मैसेज अगर कन्वे करना चाहते हैं तो कौन चाहते हैं. तो सोचा और समाज के प्रति आप लोगों के लिए ये फिल्म बनाई है. आप इनकी कहानी है और जिसका जो बीमारी है एंकोलाइटिस स्पॉन्डिलाइटिस एंकाइटिस पॉजिटिव जो मैं था, उसका इलाज है नॉट ओनली सिर्फ इसी डिजीज का, एवरी डिजीज.
तो ये एड्रेस जहाँ मैं ठीक हुआ था वो एड्रेस हर घर तक पहुँचाऊँ, आप सब तक पहुँचाऊँ। आपके घर में अगर आसपास में अगर तब भगवान ना करे कोई बीमारी हो, अगर हो गया तो आप लोग सब पहुँचो, पहुँच के अपने आपके घर में खुशियाँ लौटाओ, मुस्कुराहट वापस आओ। थैंक यू सो मच। इस पिक्चर में निदान में मैंने एक सिंधी कैरेक्टर किया है,
मुझे लगता है ये फिल्म बहुत जल्दी रिलीज़ हो रही है और ऑडियंस को, समाज को एक बहुत मैसेज है कि इस बीमारी का हल है, इसका इलाज है। ख़ास करके केरला में, जैसा कि मानस जी ने बताया, जहां उन्होंने इलाज कराया 3 महीना, तो ये बहुत खूबसूरत फिल्म बनी है। एक साफ़ सुथरी फिल्म है और बहुत अच्छा, मतलब ये समझिए कि हिंदुस्तान के लिए एक तोहफा है ये फिल्म। थैंक यू सो मच। एक रियलिस्टिक फिल्म है, एक भयानक बीमारी जो मानस जी को हुई थी और जो लाइलाज थी एलोपैथी में, और फिर उन्होंने उनका जो संघर्ष इस बीमारी से जूझते हुए और जो उन्होंने डिपिक्शन दिया है फिल्म में, बहुत ही रियलिस्टिक रूप में दिया है। और एक चीज़ और इसमें प्रूव हुई है कि आयुर्वेद जो हिंदुस्तान की धरोहर है और सबसे पुराना ट्रीटमेंट है हमारे इंडिया में, और उसी से ही वो ठीक हुए हैं। उन्होंने बहुत ही सहज भाव से, नेचुरल रूप में इस चीज़ को दर्शकों तक, बहुत अच्छा मैसेज है ये फिल्म के लिए। और हमारी दुआएं हैं, शुभकामनाएं हैं कि ये फिल्म अच्छे लेवल पर जाए और ऑल ओवर इंडिया लोगों को और नेताओं को, जो भी वर्ग के लोग हैं, उन तक पहुंचे। और हमारी मतलब शुभकामनाएं होंगी कि ये हिट हो और हम सब आर्टिस्टों को फ़ायदा हो और इस फिल्म को भी। नमस्कार। मेरा नाम उर्मिला शर्मा है। सबसे पहले मैं फिल्म के लिए ये कहूँगी कि ये फिल्म एक फिल्म नहीं है, मैसेज है समाज के लिए। हमारे देश में खासकर औरतों को ये बीमारी बहुत होती है, लोअर बैक प्रॉब्लम, कमर में दर्द, घुटनों में दर्द, और डॉक्टर के पास कई बार ऐसा होता है इलाज नहीं होता है, कभी किसी के पैर काट दिए जाते हैं या नी रिप्लेसमेंट होता है तो वो भी सक्सेसफुल नहीं होता है। तो हर किसी को इसके बारे में जानना चाहिए कि हमारे देश में एक बहुत ही अच्छा उपचार है आयुर्वेद में। तो हर किसी को ये फिल्म देखनी चाहिए और सबको ये जानकारी मिलनी चाहिए। मेरा किरदार इसमें थोड़ा नेगेटिव है, मैं हीरो गिरीश की बहन का रोल कर रही हूँ। और जैसा कि आप जानते हो कि जहाँ थोड़ी सी बुराई ना हो तो कोई भी फिल्म कुछ भी आगे नहीं बढ़ता है। मैं बहुत पैसे वाले घर की दिखाई हूँ और भाई बीमार है, भाभी और बच्चे पैसे पैसों के लिए मोहताज है, और मैं उनको पैसे देती हूँ और एहसान जताती हूँ, इस टाइप का कैरेक्टर है मेरा। आप फिल्म देखिए और बताइए कि मैंने अपने कैरेक्टर के साथ इंसाफ किया है कि नहीं, अच्छा निभाया है कि नहीं। थैंक यू। बस मैं यही कहना चाहूँगी कि ये फिल्म मानस जी ने एक प्रयास किया है कि हमारे भारत में बहुत सालों पहले से, मतलब पुराने वेद के टाइम से, हम एक आयुर्वेदिक हमारे वहाँ दवाई है जिससे हम सब लाइलाज, कोई भी बीमारी नहीं रहती, सब हम उसको इलाज कर सकते हैं सब बीमारी का। वो दर्शाने के लिए उन्होंने एक अच्छा सा प्रयास किया है, जो उन्होंने खुद ने वो सब भुगता है, उसके बाद उन्होंने ये सबको बताया क्योर होने के बाद। और ये फिल्म बहुत अच्छी बनी है, ये गांव-गांव में, घर घर में, छोटे से घर में, और मुझे तो लग रहा है कि ये चीज़ हम खाली इंडिया में ही नहीं, वर्ल्ड में भी दिखाए कि ये फिल्म कितनी अच्छी बनी। और मानस जी के साथ काम का अनुभव कहूँ तो, इनके पहले जो मैंने ये फिल्म के पहले उनके साथ मैंने मुजफ्फरनगर 2013 फिल्म आई थी, उसमें देव शर्मा मेन हीरो था, उसकी माँ का रोल मैंने किया था। तो मेरा अनुभव तो उनके साथ काम का बहुत अच्छा रहा है, और मैं प्रोड्यूसर्स, डायरेक्टर्स और सबको, सब यूनिट को एक ये करती हूँ कि ये फिल्म बहुत अच्छी चले और उनको जो मैसेज देना है वो घर घर तक पहुँचे। थैंक यू। सबसे पहले तो मैं कहूँगा कि गिरीश आप शुरू करो अपने इसको, जो जिसकी कहानी है, उस कहानी का जो पात्र है, जो मैं खड़ा हूँ, जो लाइफ है, उसको इसने प्ले किया और बेहतरीन तरीके से किया। तो आप शुरू कीजिए, और मेरी वाइफ का जो रोल किया था वो इन्होंने किया, कुणाली ने, उसके बाद ये करेंगे। जिन्होंने मुझे एक जो कैरेक्टर ने उत्साह जगाया कि आप सुसाइड मत करो, क्विट मत करो लाइफ को, तो वो उनका नाम है दिलावेज अली खान, जो कैरेक्टर है उनका कैरेक्टर मिस्टर संदीप कोचा साहब ने किया था, बाद में मैं बोलता हूँ। ठीक है। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा, आपसे शेयर करना चाहूँगा कि आज का दिन मानस की ज़िंदगी का, हमारी ज़िंदगी का बहुत बड़ा दिन है। दुनिया इसे किसी भी नज़रिए से देखे, लेकिन हमारे लिए ये बहुत बड़ा काम हुआ है। इस सपने को
प्रणाली ने, मानस ने, मैंने भी किसी हद तक संजोया था, सोचा था कि एक दिन वो घड़ी, वो लम्हा ज़रूर आएगा जब ये फिल्म रिलीज होगी और दुनिया तक पहुंचेगी। ये कोई आम फिल्म नहीं है दोस्तों, ये हमारे दिल से निकली हुई एक आवाज़ है, एक पेन जो मानस ने सहा है, और उस पेन से वो उसने उसकी ये चाहत है कि उस तरह के पेन से अगर कोई और गुजर रहा है तो उसके घर में उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ सके। और उसका रास्ता है आयुर्वेदा, ये अपना खुद का एक्सपीरियंस किया हुआ मानस का। वो कहीं ऐसी जगह जाके रुके जहाँ पर एक तरफ उन्हें कह दिया गया था कि तुम अब सिर्फ मौत का इंतजार करोगे बेड पर लेट कर। ये लाइन फिल्मी लगती है लेकिन जिस पर बीतती है वो जानता है कि वो उस टाइम को कैसे गुजारेगा। डॉक्टर ने इन्हें कह दिया था कि तुम सिर्फ घड़ी देखोगे और सिर्फ अपनी मौत का इंतजार करोगे बेड पे पड़े हुए। इतनी बड़ी स्टेटमेंट एलोपैथिक ग्राउंड पे इनको दी गई। उसके बाद इनके अंदर ये इनका कोई दोस्त था, उसने इनको सलाह दी कि चल मैं तेरे को लेके चलता हूँ। ये बाई चांस वहां भी अनमने मन से गए, आधे मन से गए, आधे विश्वास के साथ गए, लेकिन जब वहां पहुंचे, वहां पर पहुंचने के बाद इनको ऐसा लगा कि हाँ ये सही जगह है, शायद यहां पर मेरा इलाज हो जाए, शायद मैं यहां पर उस मतलब ये लोग मुझे उतना ठीक कर दे कि शायद मैं थोड़ा चल फिर पाऊं। लेकिन दोस्तों इन्होंने कुछ महीने वहां गुजारे, वहां के इलाज के बाद आज ये आदमी आपके सामने खड़ा है। सॉरी, इस आदमी की कंडीशन, ये जॉइंट्स ऐसे जकड़ चुके थे और ये ऐसे चलता था कि मैं आपको परफॉर्म करके जानबूझ के दिखा रहा हूँ कि इस कंडीशन में कभी आदमी, और आज ये आदमी आपके सामने खड़ा है, उठ रहा है, बैठ रहा है, चल रहा है, फिर रहा है, भाग रहा है, दौड़ रहा है, फिल्में डायरेक्ट कर रहा है और करेगा लाइन से। मेरी दुआ इनके साथ है, आप सबकी दुआ इनके साथ है। और ऑडियंस रिएक्शन आज प्रोमो देखने के बाद, गाना देखने के बाद सबके चेहरों पे मुझे खुशी नजर आई और मैं भी इस आज के मौके पे बहुत खुश हूँ। मेरा पूरा परिवार मेरे साथ आया है, मेरा फिल्मी परिवार मेरे साथ है और मेरा अपना परिवार मेरे साथ है। तो आज मेरे लिए बहुत बड़ा दिन है, बहुत बड़े खुशी का दिन है। मेरी सारी शुभकामनाएं इस फिल्म के साथ, मानस के साथ, प्रणाली के साथ, पूरी टीम के साथ और आप सबके साथ। थैंक यू वेरी मच। आपका क्या रिएक्शन था, और मतलब लोगों को देखने के बाद और आपने फिल्म प्रोड्यूस को जो रिएक्शन देखा आपने, उसके बाद क्या फील किया आपने, थोड़ा सा उस बारे में बताइए। जैसे गिरीश जी ने तो पहले ही आपको बता दिया है, इवन मानस जी ने भी आपको बता दिया है, तो ये बताना चाहूँगी मैं फिल्म को लेके। जैसे गिरीश जी ने ऑलरेडी कहा है कि ये एक फिल्म नहीं है, ये स्क्रिप्ट नहीं है, ये ज़िंदगी की हकीकत है। और जो मानस जी के साथ जो घटना घटित हुई है, जो HLA-B27 पॉजिटिव एंकोलाइजिंग, तो ये जो है इसमें ऑलरेडी बता दिया है कि पूरे जॉइंट्स जो है लॉक हो जाते हैं, लुब्रिकेंट ड्राई हो जाता है, धीरे धीरे स्पाइन टूटने लगती है। तो वो कंडीशन में मानस जी पहुंच गए थे और उसके बाद ये ठीक हुए 18 मंथ्स बाद। तो हमारा जब हमने इनको देखा तो हमारा एक ही मकसद रहा है कि ये देश दुनिया में हमको पहुँचाना है, हर घर तक इस चीज़ को बताना है कि आयुर्वेदा में बहुत ताकत है। आप सिर्फ एलोपैथी की तरफ न जाते हुए बड़ी बड़ी डिसीज़ भी, बड़ी बड़ी चीज़ें भी आप आयुर्वेदा में ट्रीट कर सकते हैं। और इसीलिए हम लोगों ने ये फिल्म बनाई है कि फिल्म के माध्यम से हम लोग घर घर तक पहुँचें, लोगों तक पहुँचें, क्योंकि ये बहुत ईजी माध्यम है लोगों तक पहुँचने के लिए। तो इसीलिए एक सोशल फिल्म है, ये सोशल कॉज है और हम लोग कोशिश कर रहे हैं लोगों तक पहुँचाने के लिए। और मीडिया जहाँ तक है हमारे साथ, तो मेरी ये गुजारिश है सबसे कि इस मैसेज को देश दुनिया में पहुँचाए, घर घर तक पहुँचाए। जैसे हमने इसकी जिम्मेदारी ली है, वैसी आप लोग भी इसकी जिम्मेदारी लें। और हर घर में कोई ना कोई एक पेशेंट है और हमें ये बताना है कि आयुर्वेदा में बहुत ताकत है, लोग ठीक होते हैं और ठीक हो रहे हैं। तो यही मकसद रहा है इस फिल्म को प्रोड्यूस करने के लिए, सोशल कॉज है। और सोशल कॉज के साथ साथ आप सभी हमारे साथ जुड़िए, यही आपसे एक दरख्वास्त है। सर, जब आपने पहली बार सर को पर्दे पर देखा तो क्या फील किया आपने और कितनी मेमोरीज ताज़ा हुई आपकी, थोड़ा सा उस बारे में बताइए। और मतलब पहली बार कब सोचा कि इस कहानी को पर्दे पर उतारना चाहिए? पहली बार तो आपका लास्ट से शुरू करता हूँ सवाल का। पहली बार जब सोचा ये कि जब मैं उधर एडमिट था केरला में, कि ये जो बीमारी जानलेवा बीमारी है और मतलब बहुत ही तकलीफदायक ज़िंदगी था, ब्रेन से लेकर के टो तक हैवी पेन 24 घंटा 24 आवर्स, चलना फिरना सब खत्म हो चुका था। तो
दौरान जब लगा मैं ठीक हो रहा हूँ, उन लोग मुझे ठीक कर रहे हैं ग्रेजुअली 20%, 30%, 60%, उसी दौरान मुझे फील हुआ कि नहीं अभी इसके बारे में मैं लोगों तक मैसेज पहुँचाऊँ। और जहाँ तक गिरीश का सवाल है, गिरीश को मैं तब से जानता हूँ जब ये इंडस्ट्री में कदम रखा था, उस टाइम मैं असिस्टेंट डायरेक्टर था, ये स्ट्रगल करता था और उसी दौरान एक फिल्म मिली मिस्टर भुवन बग्गर जी की जिसमें हम साथ में थे, तो मैं चीफ असिस्टेंट था उसमें काम कर रहा था और ये बाकायदा उसमें एक अच्छा किरदार निभाया और इतना बेहतरीन मतलब किरदार निभाया था और ये इतना बेहतरीन एक्टर है, इंसान तो है ही है बेहतरीन। तो जब कास्ट करने की कोशिश किया तो सबसे पहले जहन में आया गिरीश कि इस चरित्र को निभा सकता है सिर्फ और सिर्फ गिरीश। तो उसी दौरान मैंने सोचा कि गिरीश को फ़ोन किया और गिरीश इमीडिएटली बोला यस ब्रदर मैं कर रहा हूँ। हाँ जी, आप क्या कहना चाहते हैं? हाँ जी सर, मैं इधर आइए आइए। देखिए मैं तो सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि ये जो आयुर्वेद की जो कहानी है, आयुर्वेद ये 5000 साल पुरानी है, वेदों का अंग है आयुर्वेद, और उसी से जुड़े हुए एक अंग का मैं एक छोटा सा एक मैं कहूँगा यात्री हूँ। मैं एस्ट्रोलॉजर हूँ और पिछले 20 साल से मैं ज्योतिष का ही मेरा बिजनेस है। मनोज को मैं 10 साल से जानता हूँ और तब जानता था जब हम लोग एक हिंदी मूवी साथ में कर रहे थे एंड उसके बाद जब ये घटना घटी और पता चला तो लगा कि आखिर जानने की ज़िंदगी में मतलब इतनी कम एज में अगर ऐसी कोई बीमारी हो जाए, और जैसे गिरीश ने कहा कि डॉक्टर ने कहा कि आपका पैकअप हो चुका है भाई साहब, तो डायरेक्टर का पैकअप हो गया, मतलब अब लग रहा है कि फिल्म शुरू होगी नहीं, ख़त्म हो चुकी। बट वहाँ पर जो उन्होंने कमबैक किया, जो ज़िंदगी से लड़ने की जो क्षमता इनके अंदर थी और जो पॉजिटिव ये रहे और किसी भी तरह चाहे बहाने से वजह या बेवजह को इनको बहाने लेके गया, वही किरदार मैंने इस मूवी में निभाया है, एक दोस्त का किरदार। और गिरीश के साथ मैं गिरीश की बहुत तारीफ करना चाहता हूँ। गिरीश का जो मैंने एक्ट देखा है, मतलब मुझे बीच में कई बार ऐसा लग रहा था कि यहाँ पर हम एक्टिंग नहीं कर रहे हैं, नो गिरीश वाकई में बीमार है और मैं वाकई में उसकी मदद कर रहा हूँ, मतलब इतना जो उसके अंदर जो संजीदगी थी उसकी मैं मतलब तारीफ करना चाहता हूँ। और तीसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि मानस बहुत अच्छा इंसान है और शुरू से ही जो उसका रवैया रहा जिंदगी में दूसरों के प्रति कुछ मोटिवेशन का, शुरू से वो इस फिल्म के माध्यम से दिखाना चाहते हैं। जैसे कुरानी ने कहा अभी अभी कि आयुर्वेद भारत का एक ऐसी साइंस है जो इससे बड़ी मेडिकल साइंस दुनिया में कोई भी नहीं है। जितनी मेडिकल साइंसेज है आज लोग डिजीजेज क्रिएट करते हैं, ऐसी बीमारी जिसका नाम हमने 10 साल पहले नहीं सुना है, आज बहुत लोग उन बीमारियों से जूझ रहे हैं, हर इंसान बीमार होता चला जा रहा है, नई नई बीमारियाँ आती जा रही हैं, दवाइयाँ बनती जा रही हैं, लेकिन जो सबसे बड़ी जो मेडिकल साइंस है वो आयुर्वेद है। तो ये फिल्म जो एक कहानी नहीं है, एक पहली बात तो ये कहानी नहीं है, ये सच्ची घटना है जो हमारे डायरेक्टर साहब की ज़िंदगी से गुजरी और उसको बखूबी निभाया गिरीश साहब ने, और कुणाली ने उसका भरपूर साथ दिया एज ए प्रोड्यूसर भी और ऐसे एक्टर भी, विच इज़ अमेजिंग। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो साइंस है, जो मैंने कहा वेदों का अंग है आयुर्वेद, ये दुनिया में एक ऐसा मैसेज देना है कि भाई साहब जो बीत गया है उसको भूलिए मत, इस साइंस को अगर आप ज़िंदगी से जोड़ लेते हैं। और आप अगर देखें साउथ इंडिया में हर सब्जी में हर जगह कड़ी पत्ता डलता है, वो एक हर्ब है, यानी हर्बल प्रोडक्ट पे हम लोग आ रहे हैं। तो ये एक अवेयरनेस क्रिएट किया जा रहा है कि ज़िंदगी में अगर ये चीज़ों को जोड़ लेते हैं तो ना तो कोई बीमार होगा और ना ही किसी तरह की उसको ज़िंदगी में प्रॉब्लम आने वाली है। तो मेरी आपसे यही गुजारिश है, आप लोग ये चीज़ों को स्प्रेड करें, इस फिल्म के बारे में लोगों को बताएं, लोग इससे प्रेरणा लें और ज़िंदगी में खुश भी रहें और हेल्दी भी रहें। गॉड ब्लेस यू। टीम को कंग्रेचुलेट करना चाहूँगा कि जिस तरह का सिनेमा बनाया है और समर सर ने जो बोला कि एक सत्य कथा पर आधारित है, उनके अपने जीवन पर आधारित है, कई सारी चीज़ें जो मैं डिस्कस करना चाहूँगा, बोलना चाहूँगा, बट इन शॉर्ट सबसे पहले तो मेरे जो बड़े ब्रदर हैं गिरीश सर, सॉरी, वो इस सिनेमा का हिस्सा है, इस फिल्म का हिस्सा है, तो आई एम रियली फील प्राउड ऑफ हिम। एंड जैसा उन्होंने बताया कि सत्य कथा पर आधारित है, वहाँ पर वापस आते हैं, तो सबसे पहली चीज़ है कि यहाँ पे जो हमारे हिंदुत्व या हिंदुस्तान का जो जड़ है, जहाँ से हमारे ऋषि मुनियों ने जो इलाज की शुरुआत की थी, वो तो आयुर्वेदिक को यहाँ पे बाहर लेकर आया गया है। और जैसे मुझे भी कुछ समय तक कमर की तकलीफ रही है और आज की रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कोई ना कोई हर इंसान मोस्टली कमर की तकलीफ से ग्रसित है या तकलीफ में है, तो ये जो मूवी लेकर आ रहे हैं, जो फिल्म लेकर आ रहे हैं, इसमें जो आयुर्वेदा का जो ट्रीटमेंट के बारे में बताया गया, ये इसकी जो अवेयरनेस है, ये जब फैलेगी तो लोगों को ये समझ में आएगा कि सिर्फ एलोपैथी या कोई दूसरे इलाज जिनसे फ़र्क नहीं पड़ रहा है या सिर्फ टेम्परेरी है, वो ना करके अगर आप आयुर्वेदा की तरफ जाते हैं या वो इलाज अपनाते हैं तो आप जल्दी ठीक हो सकते हैं। और मैंने खुद अपनी नज़रों से, अपनी आँखों से लोगों को ठीक होते भी देखा है, जो इस फिल्म में भी बताया है।
दूसरी चीज़ ये है कि जैसा कि उन्होंने कहा कि उनके अपने जीवन पर आधारित है, तो मुझे ये लगता है कि जब आप इस फिल्म को देखेंगे या हम भी जब देखेंगे तो कहीं ना कहीं बहुत अच्छे से इसे रिलेट कर पाएंगे, क्योंकि जब इंसान एक कोई ऐसी सिनेमा बनता है जो असल ज़िंदगी पर होता है तो आप ज़्यादा रिलेट कर पाते हैं। मैं जब ट्रेलर देख रहा था तो जब भैया का ट्रेलर उसमें था कि उनको जब बैक में पेन आता है तो कहीं ना कहीं आई कुड फील द पेन यू नो व्हाइल वॉचिंग द ट्रेलर कि हाँ यार सच में तकलीफ हो रही है। और जब वो इलाज दिखाया जा रहा था कि और वो कैसे कैसे ग्रेजुअली बेटर होते जा रहे थे तो वो भी मैं महसूस कर रहा था साथ साथ, क्यों, क्योंकि वो जैसा कि मैंने बताया कि असल ज़िंदगी पर बेस्ड है। या एनीथिंग एल्स सर, इसके अलावा ऑडियंस से क्या अपील करना चाहेंगे? ऑडियंस से मैं दरख्वास्त करना चाहूँगा, गुजारिश करना चाहूँगा, प्लीज़ ये फिल्म देखें। ये सिर्फ एक फिल्म नहीं है, ये एक माध्यम है लोगों तक एक अच्छा मैसेज पहुँचाने का, जिसमें ये बताया जा रहा है कि आपको इस तरह की तकलीफ अगर होती है तो जिस तकलीफ से ये गुजरे हैं, जिस पीड़ा से ये गुजरे हैं, वो आप लोग ना गुजरें और इस इलाज के जरिए आप लोग अपनी ज़िंदगी को सुधार सकें और अच्छी खुशहाल ज़िंदगी जी सकें, निदान पाए। थैंक यू। मैं बहुत ही खुश हूँ और स्पेशली निदान की जो मेन लीड है वो मेरे साथ खड़ी है, ही इज अमेजिंग परफॉर्मर एंड टू स्टैंड विद हिम इज ओनली अ बिग प्लेजर और मैं बहुत ही खुश हूँ। और निदान एक ऐसी मूवी है जो एक डायरेक्टर के ऊपर बनी है विच गिरीश सर इज प्लेइंग ऑफ कोर्स, जो ऑलमोस्ट डिसेबल हो गए थे बट आयुर्वेदा की वजह से कोई कैसे वापस आ सकता है, तो इन्होंने बहुत ही बखूबी निभाया उस चीज़ को। तो कैसी बॉन्डिंग रही है सर के साथ, थोड़ा उस बारे में बताइए कि आप दोनों की मेमोरीज क्या है? विद हिम माय मेमोरीज, ही इज़ एन अमेजिंग एक्टर, सुपर्ब एक्टर, ये आप लोग सब जानते हो। और उसके अलावा ही इज़ अ सुपर्ब टीचर एज वेल, तो वही इन्होंने जो बड़े पर्दे पर दर्शाया है और 100% श्योर कि वो बहुत ही अच्छा निकल के आया है और आई एम वेरी हैप्पी टू सी दिस पोस्टर। आप देख सकते हैं ही इज सच अ नाइस एक्टर कि अभी का जो लुक है वो एकदम डिफरेंट है और उसका लुक बिल्कुल डिफरेंट है। सो आई विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच।